दैट स्टेबिलिटी इज नॉट टू डू विथ सिंकिंग और फ्लोटिंग बेसिकली वॉट स्टेबिलिटी इज अस्टेबिलिटी इज डिफाइंड एज वेन यू टॉपल अ बॉडी और वेन यू चेंज इट फ्रॉम इट्स इनिशियल पोजिशन इट कम्स बैक टू दैट ओरिजिनल पोजिशन ये स्टेबिलिटी का डेफिनेशन होता है कि अगर आपने कोई बॉडी को टॉपिल ओवर किया या उसकी रेस्टिंग पोजीशन से आपने कोई फोर्स अप्लाई कर उसको मूव किया अगर वो दोबारा उस फोर्स उस जगह के ऊपर आ जाता है तो इस बॉडी को हम बोलते हैं एक स्टेबल बॉडी अब स्टेबिलिटी दो चीज़ों के ऊपर आ सकती है आपके पास दो तरह की बॉडीज होती हैं एक होती है कंप्लीटली सबमर्ज बॉडी जो बिल्कुल आपके फ्लूड के अंदर हो जरा सा हिस्सा भी उसका बाहर नहीं होता है ये इसकी स्टेबिलिटी कैलकुलेट करना बहुत आसान है देर इज नो नीड फॉर कैलकुलेशन और समथिंग ओवर हियर इज जस्ट अ जनरल रूल दैट फॉर अ कंप्लीटली सबमर्ज बॉडी इन अ फ्लूड द कंडीशन इज सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द बॉडी मस्ट बी बिलो द सेंटर ऑफ बायसी अगर ये कंडीशन आपकी फुलफिल हो रही है तो आपकी जो बॉडी है वो स्टेबल है अच्छा अब दो टर्म्स यहां पर आती हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ बॉयसी सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो पॉइंट होता है इज़ लाइक द सेंटर ऑफ द बॉडी द मैस फोर्स वेट इज थॉट टू एक्ट और सेंटर ऑफ बॉयसी क्या होता है दैट इज द पोजिशन फोर्स इज थॉट टू एक्ट के buoyancy, buoyancy एक्ट एट दिस पॉइंट तो यह कंडीशन तो बहुत आसान है स्टेबिलिटी फॉर आप इसमें अगर यह आपका फ्लूड है ये देखें के ये body completely आपके fluid के नीचे है इसमें जरा सा फ्लूड के ऊपर इसका कोई ताल्लुक नहीं है कंप्लीटली सबमर्ज इसमें क्या होगा कि आपकी जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है that will be below center of

अगर आपकी बॉडी यहां पर शिफ्ट हो जाती है जब तक उप, है, से है, वो सेंटर ऑफ बॉडी ऊपर है सेंटर ऑफ ग्रेविटी से वो बॉडी ओरिजिनल पोजिशन पे आ जाएगी दैट इज स्टेबिलिटी स्टेबिलिटी ऑफ सबमर्ज बॉडी नो प्रॉब्लम इन दिस द प्रॉब्लम लाइज वेर यू हैव टू कैलक्यूलेट वेर द बॉडी फ्लोट अब बॉडी जब फ्लोट करती है ना तो ऐसा होता है कि हो सकता है ये लाजमी नहीं है कि सारी की सारी बॉडी पानी के ऊपर हो कुछ हिस्सा बॉडी के पानी के नीचे होता है कुछ हिस्सा पानी के ऊपर होता है दैट इज हाउ द बॉडी इज फ्लोटिंग अब यहां पर जो कंडीशन ऑफ स्टेबिलिटी होती है ना दैट इज डिफरेंट द फर्स्ट रूल इज दैट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी मस्ट बी अब सेंटर ऑफ बायोन्सी ये टोटली totally ऑपोजिट है सबमर्ज बॉडी के सबमर्ज बॉडी जो होती है उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी बायोनसी के सेंटर से नीचे होती है फ्लोटिंग बॉडी में सेंटर ऑफ ग्रेविटी बायोन्सी से ऊपर होती है ये एक रूल है दूसरा रूल है कि एक चीज होती है जिसको हम मेटा सेंटर बोलते हैं अगर आपसे कोई मेटा सेंटर की डेफिनेशन पूछे द मेटा सेंटर डेफिनेशन इज दैट यू राइट दैट

रोटेटिंग बॉडी न्यू पोजिशन दूसरी बात ये देखें कि ये एक फ्लोटिंग फिगर है अभी मैं आपको डिफ्रेंस बता ही रहा था कि सबमर्फ जो फ्लूड था वो कंप्लीटली बिलो द सर्फेस था फ्लोटिंग में देखें हाफ ऑफ दिस बॉडी इज अबव दर हाफ इज बिलो सो योर बॉडी कैन बी अब और बिलो

तो आपका जो आपकी जो बॉडी होगी वो स्टेबल होगी इनरेस्पेक्टेव वो जितना ऊपर हो तो द द व्हाट वी कॉल कंडीशन द कंडीशन फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ अ फ्लोटिंग बॉडी इज दैट मेटा सेंटर हैज टू बी अब द सेंटर ऑफ ग्रेविटी मेटा सेंटर का लिंक सेंटर ऑफ बायोसी से नहीं है मेटा सेंटर का लिंक जो है वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी से है कि इट हैज टू बी अब द सेंटर ऑफ ग्रेविटी इफ इट इज अब योर बॉडी इज सेट टू बी स्टेबल अब एम बी क्या होता है एमबी डेफिनेशन फॉर एमबी एम बी इज जस्ट एनालिटिकली फाइंडिंग आउट द पोजिशन ऑफ द मेटा सेंटर एंड हाउ डू यू फाइंड इट आउट यू यूज दिस फॉर्म्यूला एम बी इज इक्वल टू वन अपॉन वी डी वेर वी डी इज द वॉल्यूम डिस आपको सिखाया था वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड जब फ्लोटिंग बॉडी होगी तो आधी वॉल्यूम नीचे होगी आधी वॉल्यूम ऊपर होगी जो टोटल वॉल्यूम ऑफ द फ्लूड डिस्प्लेस्ड होगा योर मोमेंट ऑफ एनर्जिया अपॉन द डिस्यूम इज दॉरी एम बी और एम बी के हेल्प से आप ढूंढ सकते हैं मेटा सेंटर को और उसकी पोजीशन को डिटरमिन कर सकते हैं कि मेरी बॉडी स्टेबल है या अनस्टेबल है अगर आपके पास एक कैलकुलेशन आया कि मेरे पास एक फ्लोटिंग बॉडी है मुझे उसका उसकी स्टेबिलिटी फाइंड आउट करनी है तो उसके लिए एक तरीका होता है तरीका ये है कि सबसे पहले आपको बायोन्सी की हेल्प यूज़ करनी पड़ेगी ये चैप्टर बायोंसी के साथ इसलिए आता है बिकॉज़ स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली लिंक्ड विद बायोन्सी सो यू नीड टू डिटरमिन द पोजीशन ऑफ द फ्लोटिंग बॉडी कि वो कितनी फ्लोट कर रही है क्या वो 10 मीटर बिलो द सरफेस है क्या वो 20 मीटर बिलो द सरफेस है क्या वो 30 मीटर बिलो द सरफेस है ये आपको बायोन्सी की हेल्प से मालूम पड़ेगा जब बायोन्सी की हेल्प से मालूम पड़ गया उसकी पोजीशन तो आप सेंटर ऑफ बायोनसी ढूंढ सकते हो और सेंटर ऑफ बायोनसी आप एक रेफरेंस एक्सेस से उसका डिस्टेंस ढूंढ सकते हो और इस डिस्टेंस को हम बोलते हैं वाई बी यानी वाई लिखते हो और सब्सक्रिप्ट में बी लिखते हो वाई क्या डिटरमिन करता है वाई डिटरमिन करता है डिस्टेंस क्योंकि जब आप x एक्सिस में जाते हो और y एक्सिस में जाते हो डिस्प्लेसमेंट y में आता है वर्टिकल डिस्टेंस के अंदर तो आप y b लिखोगे आपको मैं लिख कर दिखा देता हूं कि मैं बोलना क्या चाह रहा हूं अगर आपको डिस्टेंस दिखाना है सेंटर ऑफ बॉडी का तो आप उसको यू सिग्निफाई करते हो दिस इज वॉट आई एम ट्राइंग टू टेल यू अगर मुझे सेंटर ऑफ ग्रेविटी का डिस्टेंस दिखाना पड़ेगा तो वो किस तरह शो होगा वाई सी जी अगर मुझे मेटा सेंटर का डिस्टेंस दिखाना पड़ेगा तो वो कैसे शो होगा वाई एम या वाई मेटा इस तरह कर कर आप लिख देंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर आप एक चीज का डिस्टेंस देख रहे हैं फ्रॉम फ्रॉम अ रेफरेंस पॉइंट और डिटरमिन करना है कि किसका डिस्टेंस कितना दूर है तो अहमियत किस बात पे रहती है या व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके दिमाग में क्या आता है आपका जो रेफरेंस पॉइंट है ना वो सेम होना चाहिए ये नहीं हो सकता कि एक के सेंटर ऑफ बायोन् के लिए आप रेफरेंस पॉइंट वन मीटर लें और सेंटर ऑफ ग्रेविटी के लिए आप रेफरेंस पॉइंट 1.1 मीटर लें दैट इज नॉट पॉसिबल, एंड इट इज बॉटम ऑफ द सर्फिस जो है ना वहां से रेफरेंस पॉइंट लिया जाता है देखें देखने में ये लग रहा है कि ये सवाल स्टेबिलिटी का बहुत मुश्किल है बट ये बहुत मजे का सवाल है और बहुत आसान सवाल है इट्स एन ईजी क्वेश्चन पॉइंट्स इस तरह लिखें, जब मैं आपको टेक्निक बताऊंगा तो आपको खुद दि, दिखेगा ढूंढी उस तरह आपको सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी ढूंढनी पड़ेगी चलें वो भी आपने ढूंढ ली और कभी कभी तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी आपको गिवन होती है फिर आपको डिटरमिन करना पड़ेगा कि मेरा शेप क्या है मेरा शेप रिक्टेंगुलर है या मेरा शेप सर्कल है बेस्ड ऑन दैट शेप आप वॉल्यूम डिस्प्लेस निकालोगे और इनर्शिया निकालोगे इनर्शिया इज़ मोर इम्पॉर्टेंट अगर सिलेंड्रिकल होगा तो इनर्शिया का फॉर्मूला डिफरेंट होगा अगर रिक्टेंगुलर होगा तो इनर्शिया का फॉर्मूला डिफरेंट होगा आपको वॉल्यूम आपकी डिस्प्लेस मिल गई फ्रॉम द फ्लूड आप अपना एम निकाल लोगे और जब ये सारी चीज़ें हो गई तो आप अपने रेफरेंस पोजीशन ऑफ मेटा सेंटर निकाल सकते हो विद द हेल्प ऑफ एम बी हाउ इधर एक फॉर्मूला था एम बी के लिए सर इनर्शिया अपॉन इनियाम हाँ नहीं 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 मैं कुछ और देख रहा था एम बी इज रिलेटेड वेयर आई इज द बेस्ट वॉल्यूम ऑफ इनर्शिया

और आखिर में आप एक डायग्राम भी बना सकते हो या शुरू में भी बना सकते हो बिकॉज अ डायग्राम विल ऑलवेज हेल्प यू इवन दो इफ आई आस्क यू नॉट टू मेक अ डायग्राम ज्यादा दोनियंट है आप डायग्राम बना लो क्योंकि डायग्राम पे आपके लिए आसानी हो जाएगी सब कुछ आपके सामने होता है अगर मैं आपको क्वेश्चन में डायग्राम नहीं बोलता हूं तो आप रफ सा डायग्राम बना सकते हो अगर मैं आपको बोलता हूं हूँ डायग्राम देन ऑब्वियसली यू विल नॉट मेक इट रफ तब आपको थोड़ी एक्यूरेसी दिखानी पड़ेगी कि कम अज कम के अगर मैं वन मीटर बोल रहा हूँ और टू मीटर के बीच में गैप है तो एक अप्रोक्सीमेशन करेक्ट होना चाहिए ऐसा नहीं कि अपनी मर्जी से ये लगा दिया बहुत रफ सा एक फिगर बना दिया एग्जाम्पल फॉलो करते हैं हो सकता है आपको फिर समझ आए मैंने दोनों एग्जाम्पल रखे हैं एक एग्जाम्पल है रिक्टेंगुलर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल है सर्कुलर एग्जाम्पल और आपको जो असाइनमेंट क्वेश्चन दिए हैं वो इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर है इन दो शेप्स के बाहर नहीं जाएगा क्वेश्चन क्या था द फिगर्स ऑन द नेक्स्ट स्लाइड शोज बोट हल वेन फुली लोडेड वेइंग वन फिफ्टी किलो न्यूटन ये क्या चीज है उसका ये उसका वेट दिया गया है तो द टॉप फ्रंट एंड साइड व्यू ऑफ द बोट्स आर शोन कीपिंग द लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी इन माइंड डिटर्मिन वेदर द बोट विल बी स्टेबल इन फ्रेश वॉटर आपका क्वेश्चन यह है कि आपको यह बताना है कि फ्रेश वॉटर के अंदर अगर आपकी बोट जो है वो स्टेबल है या अनस्टेबल है अगर हमें कोई फ्लोटिंग बॉडी की स्टेबिलिटी मालूम करनी होती है तो वॉट शुड वी नीड टू फाइंड आउट What, हमें क्या ढूंढना चाहिए ग्रेविटी वो तो ढूंढनी है मगर मेन चीज तो मेटा सेंटर है ना क्योंकि मेटा सेंटर डिटरमिन करेगी ना yes. मेटा सेंटर बगैर yes, सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ के नहीं मिल सकती बाय द वे तो इनडायरेक्टली आपने सही बोला मगर मेन चीज मेटा सेंटर है तो मेटा सेंटर आपको बता देगा कि मेरी जो बॉडी है वो फ्लोट करेगी या सिंक करेगी यहां पर तो आपको डेटा नहीं दिया हुआ है आपको फिगर्स दिए हुए हैं तो आपको आपका इंफॉर्मेशन फिगर से एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा अब इस फिगर से आप क्या-क्या एक्सट्रैक्ट कर सकते हो पहली बात तो आप ये एक्सट्रैक्ट कर सकते हो कि ये जो 0.80 है ना ये आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है बिकॉज दिस इज द डिस्टेंस फ्रॉम हियर टू हियर यह हाइट का डिस्टेंस तो हो ही नहीं सकता है ये आपकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी है 0.80 कहां से है सेंटर ऑफ ग्रेविटी कोई रेफरेंस पॉइंट से बेस आपका रेफरेंस पॉइंट है तो यह सेंटर ऑफ ग्रेविटी आपको गिवन है इसीलिए यहां क्वेश्चन में लिखा गया था कीपिंग द लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी कभी कभी आपको सेंटर ऑफ ग्रेविटी दी गई होती है अब अगर आप क्वेश्चन में देखें आपके पास डायमेंशन हैं। एक डायमेंशन है आपके पास ये बी एक डायमेंशन है आपके पास इज़ द टोटल लेंथ ऑफ द बोट, इज़ द टोटल हाइट, सही है और एक और डायमेंशन आपके पास होना चाहिए बिकॉज अगर मैं वॉल्यूम ढूंढ रहा हूं रेक्टेंगुलर फिगर का तो मेरे पास क्या होगा मेरे पास तीन डायमेंशन होंगे तीसरा डायमेंशन आपका ये 2.40 है। ये 2.40 है यानी टू पॉइंट फोर जीरो टू इज दिस जीरो सिक्स वन इज वन आप इस 1.40 को देखकर क्या बोल सकते हैं ये 1.40 कितना डिस्टेंस है मतलब कहां से लेकर कहां तक डिस्टेंस है जी सर बॉडी की बॉटम से लेकर जहां तक मतलब सब मर्ज हुई है चले एक बात तो ये मुझे ये बताएं इसको मैं रिफ्रेश करता हूं अगर मैं बायोन्सी फोर्स कैलकुलेट करूंगा सेंटर ऑफ बायोन्सी फोर्स कैलकुलेट करूंगा क्या वो पूरा क्योंकि सेंटर ऑफ बायोन्सी के अंदर तो मुझे वी डी ढूंढनी पड़ेगी ना वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड क्या मैं पूरी 1.40 लूंगा या नहीं लूंगा No, sir, तक तक मतलब सब है है पानी में डूबा है, तक मैं यही पूछना चाह रहा था आप पूरी 1.40 नहीं लेंगे क्योंकि अगर ये फिगर गौर से देखा जाए ये जो 1.40 है इसमें से कुछ पोर्शन आपका पानी के फ्लूट के बाहर है कुछ पोर्शन आपका फ्लूएड के अंदर है जो सेंटर ऑफ बायसी निकालोगे ना सी बी पोर्शन विच इज इनसाइड द फ्लूड आपका फोकस है उस पोर्शन के ऊपर जो फ्लूड के अंदर है इस वक्त फर्दर कैलकुलेशन इसीलिए फर्स्ट स्टेप था सेंटर ऑफ बायो फर्स्ट स्टेप था बायोनसी का हेल्प लेना और जब आप डायग्राम बनाओगे तो डायग्राम भी अकॉर्डिंगली बनाओगे चले ये तो मैंने आपको एक ओवरऑल पिक्चर बता दी आपको शेप्स दिए थे आप अपनी आसानी के लिए एक सिंपल डायग्राम बना सकते हो ये डायग्राम मैंने वैसे अज्यूम कर लें कि आखिर में बनाया था ये मुझे आखिर में दिखाना चाहिए था ये आप पहले बना नहीं सकते हो क्योंकि ये सब कुछ मैं कंप्लीट कर कर मैंने आपको फाइनल पिक्चर बनाई है अपनी आसानी के लिए आखिर में ये डायग्राम बनेगा मगर चलें इस डायग्राम को फॉलो करते हैं हो सकता है आपको कुछ आइडिया मिल जाए डायग्राम बनाने के लिए सबसे पहले मैंने अपना फ्लूड सरफेस बना दिया कि ये मेरा फ्लूड सरफेस है मुझे ये भी मालूम है कि मेरी बॉडी रिक्टेंगुलर है मैंने एक रिक्टेंगुलर बना दिया मुझे और क्या इंफॉर्मेशन मालूम था कि मेरा W 150 फिफ्टी किलो न्यूटन था अभी मुझे कोई चीज़ नहीं मालूम है मैंने अपने अंदाजे से यहाँ पर एक पॉइंट बीच में लगा दिया सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्योंकि सेंटर ऑफ ग्रेविटी बीच में ही आएगी और वहां से मैंने दिखा दिया कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी से W निकलता है यहां तक डायग्राम क्लियर है yes, sir. अब मैं ये जरूर लिख सकता हूं कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी 0.80 मीटर है यह मुझे कैसे मालूम है मुझे ओरिजिनल फिगर से मालूम था कि माय सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज 0.80 मीटर सो दिस इज द ओनली इंफॉर्मेशन आई नो टर ऑफ ग्रेविटी इज जीरो मीटर यह वन पॉइंट जीरो सिक्स मीटर यह जीरो पॉइंट फाइव एट मीटर यह अभी भूल जाए ये हम कैलकुलेशन कर आपको बताएंगे कि किस तरह ये वैल्यूज आई है फॉर नाउ ऑल यू नो इज दैट दिस इज माई रिक्टेंगुलर बॉडी अच्छा एक बात सुने ये बॉडी कोई ये बोल सकता है कि ये मैंने बॉडी गलत बनाई है क्यों बोल सकता है ये बॉडी मैंने गलत बनाई है थर्टी टू आप आंसर करें आप क्यों बोल सकते हैं कि ये बॉडी मैंने गलत बनाई है देखें हम क्या कर रहे हैं हम क्या कर रहे हैं सर टोटल सब हाँ बोलो टोटल सबमर्ज किया है सर टोटल सबमर्ज किया है हम बात कर रहे हैं फ्लोटिंग बॉडी की फ्लोटिंग बॉडी की बात कर रहे हैं और मैंने यहाँ पर टोटल सबमर्ज किया है ये बात आपने आधी सही की मगर बाकी आधी बात भी तो देखें मैंने तो कैलकुलेशंस कर कर ये क्योंकि आपको मैंने क्या कहा कि मैंने फाइनल डायग्राम बनाया है इनिशियल डायग्राम नहीं बनाया है पूरी बात तो देखें पूरी बात क्या है मेरी टोटल जो हाइट इन्होंने दी थी वो कितनी आ रही थी 1.40 मैंने जो सबमर्ज में बनाई है वो कितनी बनाई है 1.06 बात समझाए? तो मैंने सिर्फ एरिया के ऊपर फोकस किया है जो मेरे काम का एरिया है अगर मैं प्रॉपर डायग्राम बनाता तो आधा हिस्सा यहाँ पर ऊपर भी आता वो होता 0.34 तो करेक्ट डायग्राम में आप वो भी बनाते हैं मगर मैंने सिर्फ अपने काम के हिस्से को बनाया है एक दूसरा एग्जाम्पल दे देता हूं तो आपको समझ आ जाएगी जो दूसरा क्वेश्चन था वो सिलेंडर था ये देखें, जो काम का हिस्सा है वो नीचे है बाकी हिस्सा भी तो ऊपर है ये यहां तक है। मगर काम का हिस्सा सिर्फ ये है थ्री पॉइंट इतना हमारा फोकस है बाकी हिस्सा बाहर है तो सिमिलरली कॉन्सेप्ट वही है कि मेरे काम का हिस्सा 1.06 मीटर है टोटल क्या है 1.40 मीटर, यानी इतना हिस्सा बाहर है जो मुझको बाहर बना देना चाहिए था मुझे एक लाइन यहां बनानी चाहिए थी एक लाइन यहां बनानी चाहिए थी और 0.34 मीटर लिखना चाहिए था खैर यह डायग्राम मोर देन इनाफ है सही भी है अब कैलकुलेशन की तरफ आते हैं अभी तक मैंने आपको सिर्फ एक चीज बताई है कि यू नो योर सेंटर ऑफ ग्रेविटी दैट इज ऑल पहला स्टेप क्या था कोई चीज फाइंड आउट करने के लिए सेंटर ऑफ बायोन्सी निकालने सेंटर ऑफ बायोन्सी सेंटर ऑफ बायोन्सी हम किस चीज की हेल्प से निकाल सकते हैं स्टेप स्टेप बाय सेंटर ऑफ बायोन्सी हम किस चीज की हेल्प से निकाल सकते हैं नाम आपको बता रहे हैं ना नाम क्या है सेंटर ऑफ बायोन्सी सेंटर ऑफ बायोन्सी का डेफिनेशन क्या है सर डिस्प्लेस वॉल्यूम से निकाल सकते वो वो तो बात की बात है टर्म क्या है आपने सेंटर ऑफ बायोसी का डेफिनेशन क्या है इट इज द पॉइंट वेयर बायोसी वेयर बायोसी इज सेट टू एक्ट तो सेंटर ऑफ बायोसी निकालने के लिए मुझे क्या ढूंढना पड़ेगा दूसरी चीज में मैं ये पूछ रहा हूं नाम बता रहा है उसका मुझे क्या ढूंढना पड़ेगा पहला स्टेप क्या है बायोसी सर बायोसी <laughs> तो यही तो मैं आपसे पूछ रहा हूं कि ढूंढने तो सबसे पहले तो मैं बायोसी की हेल्प ले रहा हूं मुझे क्या बताती है अब ये स्टेप गौर से देखिएगा क्योंकि अगर पहला ही स्टेप आपने गलत कर लिया ना तो आपका पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा बायोन्सी क्या होती है बायोसी ये होती है अब बायोसी देखें पहले मैंने कहा मुझे ढूंढनी है मगर बायोसी ढूंढने के लिए मुझे क्या करना होता है एक वर्टिकल बैलेंस बनाना होता है यानी अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू द अपवर्ड फोर्स माइनस डाउनवर्ड फोर्स इज इक्वल टू जीरो डाउनवर्ड फोर्स क्या है वेट है 150 किलो न्यूटन अपवर्ड फोर्स क्या है बायोनसी है तो सबसे पहले तो मैंने वर्टिकल बैलेंस लिखाया अपवर्ड फोर्स वेट डाउनवर्ड आ रहा था माइनस w इज इक्वल टू जीरो अब ये जो मैं चीज कर रहा हूं ना ये मैं अपनी बायोन्सी फोर्स ढूंढने के लिए कर रहा हूं अब यहां पर मैंने क्या किया यह स्टेप अंडरस्टैंड करें W को मैंने अभी वैसे के वैसा छोड़ दिया हम W की बात इस वक्त नहीं कर रहे हम इस वक्त बायोन्सी की फोर्स की बात कर रहे हैं बायोन्सी का फॉर्मूला क्या होता है यह मुझे बताएसिफिक स्पेसिफिक वेट इनटू डिस्प्लेस्ड वॉल्यूमिफिक मीटर क्यूब मैंने मान लिया आपका स्पेसिफिक वेट है डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम क्या होगा आपको तीनों डायमेंशन मालूम है टू और तीन हैं पर और रेक्टेंगुलर रेक्टेंगुलर बॉडी है तो इसका डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम क्या होगा फोर ये, ये तो इसका हाइट नहीं है ना मतलब इसको पहले फाइंड कर लेंगे इसका जो सबमर्ज है वो पहले वो फाइंड कर लेंगे जी यही तो हाँ, देने हाँ, का है। है। है, इस वक्त आपको सबमर्ज नहीं मालूम है कि सबमर्ज कितना है आपको यह मालूम है कि टोटल हाइट 1.40 है। इस 1.40 में से कुछ ऊपर है कुछ नीचे है आपने सिर्फ नीचे वाली ढूंढनी है क्योंकि फ्लूड को वो डिस्प्लेस कर रही है फ्लूड का ताल्लुक इस ऊपर वाली वॉल्यूम से नहीं है तो मैंने सबसे पहले वो नीचे वाली वॉल्यूम ढूंढनी पड़ेगी जिसको मैं या तो एल लिख सकता हूं बेहतर यह है कि मैं एक्स लिख लू बाद में मैंने एक्स कर लिया क्योंकि ये मुझे इस वक्त मालूम नहीं है तो मैं क्या करूंगा मेरी बायोनसी फोर्स तो ये तो सही है 9.81 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब फिर मैं क्या करूंगा मैं अपनी वॉल्यूम ढूंढूंगा वो वॉल्यूम जो डिस्प्लेस हो है वो कौन सी वॉल्यूम है सबसे पहले वो ये वॉल्यूम है 6 मीटर क्योंकि ये जो 6 मीटर है ये पानी के अंदर है उसके बाद क्या है उसके बाद वो ये टू पॉइंट फोर मीटर क्योंकि ये जो टू पॉइंट फोर ये भी पानी के अंदर है आधी पानी, पानी के बाहर है तो मैं वन पॉइंट फोर की जगह कोई वेरिएबल डाल देता हूं एल डाल सकता हूं एक्स डाल सकता हूँ लेटस एज्यूम मैंने एक्स डाल दिया इज इक्वल टू डब्ल्यू इज इक्वल टू डब्ल्यू क्योंकि ये मैंने बैलेंस लगाया है W मुझे मालूम है 150 है तो मुझे मेरी X मिल सकता है X is what? 150 divide by 9.81 into 6 into 2.4 तो X मुझे 1.06 मीटर मिल गया अब आपको समझ आई ये 1.06 मीटर में कैसे लाया पहले मैं नहीं लिख सकता था ये कैलकुलेशन से आया ये 1.06 मीटर समझ आई कैसे आया यस yes, सर तो इसका क्या मतलब हुआ इसका मतलब ये हुआ कि मेरी ही 1.06 मीटर है दैट इज बिलो द सरफेस ऑफ द फ्लूड बाकी जो है वो सरफेस के बाहर है सबको ये बात समझ आई अगर ये बात समझ आई तो मैं आगे जाऊंगा नहीं समझ आई तो मैं नहीं जाऊंगा क्लियर है यस सर क्लियर चले तो सबसे पहली बात तो आपको ये 1.06 मीटर ढूंढना था अब मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बताता हूं ट्रिक यह है सेंट, पहले तो मुझे यह अब सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहां पर अप्लाई होती है कोई भी बॉडी की अगर टोटल वेट किधर अप्लाई होगी? पे टोटल वेट एक कर रहा सर। नहीं नहीं, वो तो होगा मगर नाम क्या बता रहा है सेंटर ऑफ ग्रेविटी अगर मेरा रेक्टेंगुलर ब्लॉक है टू मीटर बाय फोर मीटर के ऊपर तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी किस पोजीशन पे किस पोजीशन पे वेट अप्लाई होगा उसके बिल्कुल सेंटर पे होगा ना आधे पे होगा ना आधे पे होगा ना सेंटर ऑफ बायोन्सी के अंदर यही है सेंटर ऑफ बायोन्सी क्या होती है वो जो आपकी वॉल्यूम डिस्प्लेस हो रही है या उतनी लेंथ जो डिस्प्लेस हो रही है ना बायोन्सी की वजह से उसके सेंटर पे होगा कहने का मकसद यह है कि मैंने ऑलरेडी लेंथ ढूंढ ली है 2 तो तो से डिवाइड करना है यानी सेंटर ऑफ बायोसी ढूंढने का तरीका यह है कि वो वो जो डिस्प्लेसमेंट है जो पानी के अंदर है ना जिसकी वजह से फ्लूड डिस्प्लेस हो रहा है बायोट फोर्स अप्लाई हो रही है बायोन फोर्स सिर्फ 1.06 मीटर पे अप्लाई हो रही है अगर बायोन फोर्स अगर बायोन फोर्स 3 मीटर पे अप्लाई होती तो सेंटर ऑफ बायोनसी कितनी होती 1.5 बायोन फोर्स 1.06 पे अप्लाई हो रही है तो सेंटर ऑफ बायोनसी कितनी होगी 0.53 मीटर मैंने इसको 0.53 मीटर लिख दिया आप देखें शुरू में मैंने आपको क्या कहा था शुरू में मैंने आपको यह कहा था कि एक फ्लोटिंग बॉडी की कंडीशन क्या होती है फ्लोटिंग बॉडी की कंडीशन ये होती है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज ऑलवेज अबव द सेंटर ऑफ बायोन्सी ये 0.53 जो है 0.80 इसके ऊपर ही होगा ना फ्रॉम द रेफरेंस पॉइंट तो ये आपको एक क्लू बता दिया कि आपने सही कैलकुलेशन की है क्योंकि आपकी सेंटर ऑफ बायोन्सी कम आ रही है आपकी सेंटर ऑफ बायोन्सी 0.53 जो है वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी से कम आ रही है यू आर ऑन द राइट पाथ अगर आपकी सेंटर ऑफ बायोन्सी आ जाती 1.5 मीटर देन यू वर रॉन्ग बिकॉज़ सेंटर ऑफ ग्रेविटी हैज टू बी मोर देन सेंटर ऑफ बायोन्सी इन द फ्लोटिंग बॉडी तो दूसरा स्टेप आपने क्या कर लिया आपने अपना सेंटर ऑफ बायोन्सी ढूंढ लिया 0.53 मीटर अब देखें अब आप इन चीजों को प्लॉट कर सकते हैं सबसे पहले तो आपने अपना सेंटर ऑफ ग्रेविटी ढूंढा था 0.80 मीटर अंदाजे से आप सेंटर ऑफ बायोन्सी उसके नीचे लगा दें 0.53 मीटर मैंने आपको बताया था कि एक चीज होती है वाई सी बी वाई सी जी वाई कर कर ये क्या चीज है ये डिस्प्लेसमेंट आप कैलकुलेट कर रहे हो फ्रॉम योर रेफरेंस रेफरेंस पॉइंट क्या होता है रेफरेंस पॉइंट आपका ये पॉइंट होता है जो बिल्कुल आपका बॉटम होता है तो इतना डिस्टेंस क्या होगा यहां से लेकर यहां डिस्टेंस क्या होगा कितना इक्वल होगा सर से वाई सी बी बोल रहा हूं वाई सी बी आपका होगा जीरो पॉइंट फाइव थ्री मीटर यहां से लेकर यहां तक आप जो बोल रहे हो वो वाई सी जी है जीरो पॉइंट एट जीरो मीटर वो भी yes. इसी रेफरेंस से होगा और मेटा सेंटर आप क्या करोगे मेटा सेंटर सेंटर ऑफ बी के लिए आप ये पॉइंट ले रहे हो तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी के लिए भी आपका रेफरेंस पॉइंट ये मेटा सेंटर के लिए भी आपका रेफरेंस पॉइंट ये है तीनों एक ही लाइन के अंदर होंगे एक दो तीन अभी तक मैंने मेटा सेंटर की बात नहीं की है मैंने आपको सिर्फ यह बताया है कि एक्स आपने कैसे ढूंढा सेंटर ऑफ बायोन्सी आपने कैसे ढूंढी सेंटर ऑफ बायोन्सी आपकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी से कम है अगला स्टेप क्या था एम बी ढूंढने के लिए एमबी ढूंढना था अब इस एमबी ढूंढने के लिए आपको आई चाहिए होगा ये आपको आई मैंने दिया हुआ है ये आय आपको गिवन होगा और ये जो आय होता है ये रेक्टेंगुलर फिगर के लिए होता है एल बी मल्टीप्लाई बाई थ्री डिवाइडेड बाई ट्वेल्व इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा, एल जो आपका है वो ये लंबा एरिया है सिक्स बी जो आपका है इसने देखें गिवन है थ्री पॉइंट फोर जीरो नहीं कर दीजिएगा थ्री पॉइंट फोर जीरो मल्टीप्लाई बाई एल क्यूब गलत हो जाएगा आपने क्या करना है एल मल्टीप्लाई बाय बी क्यूब तो ये आपको आई मिल जाएगा रेक्टेंगुलर के लिए एल मल्टीप्लाई बाय बी क्यूब डिवाइड बाई ट्वेल्व आई मिल गया यस यस सर सर आपने अपना आई भी देख ढूंढ लिया और देखें आई के यूनिट्स नहीं होंगे नहीं आय के यूनिट्स होंगे मगर वो कैंसल आउट हो जाएंगे ने ये कर लिया सिक्स इंटू टू पॉइंट फोर होल क्यूब डिवाइडेड बाई ट्वेल्व आपको ये वैल्यू मिल गई आय जब ये वॉल्यूम से मल्टी डिवाइड होगा तो आपको आपकी लेंथ के यूनिट मिल जाएंगे ये बोलना चाह रहा था इतनी वैल्यू क्या है इतनी वैल्यू आपकी आय है अब मुझे क्या ढूंढना है वी डी ढूंढना है एम बी ढूंढने के लिए वी डी ढूंढना है ना यस सर वी डी मैं ढूंढ चुका हूं पहले डी मुझे बायोन् से मिल गया था ना वी डी ये आ गया डी मेरा क्या होगा सिक्स ये होगा ये होगा और एल के लिए मैं क्या लूंगा 1.06 ये ले लिया ये मैंने ले लिया जब मैंने ये ले लिया तो ये मुझे एक वैल्यू मिल गई 0.4528. ये 0.4528 क्या है ये क्या चीज है जी ये क्या चीज ढूंढी मैंने यूनिट्स भी देखें इसके ये क्या चीज ढूंढी मैंने मेटा सेंटर से है मेटा सेंटर नहीं लिखा आप हुआ है यहां पर एमपी सर आपको मेटा सेंटर ढूंढना है यहाँ पर मैं ऐड सॉरी आवाज कट रही है मैं दोबारा बोलता हूँ यस सर बीच में कट रही है आवाज अभी क्लियर है आवाज क्लियर है यस सर अब सही होगी ऐसा अच्छा अगर कहीं भी आवाज कटे ना तो बोल दीजिएगा अगर बोल नहीं रहे तो मैसेज कर दीजिएगा यहाँ पर मैंने लिख दिया है कि अगर आपको आवाज नहीं आ रही है या आवाज कटे ना तो मुझे बोल दीजिएगा आवाज कट रही है या मैसेज कर दीजिएगा तो मैं दोबारा रिपीट कर लूंगा तो क्योंकि आवाज कट गई थी मैं वही चीज दोबारा पूछ लेता हूं मैं ये पूछ रहा था कि ये जो मैंने कैलकुलेट किया है यहां पर सॉरी ये जो चीज मैंने यहाँ पर कैलकुलेट की है ये वैल्यू जीरो पॉइंट फोर फाइव टू एट वॉट इज दिस जी ये वैल्यू क्या कैलकुलेट हुई है एमबी सी आर आवाज आ रही है यस यस सर 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 जी, जी तो कोई बोल तो दे ताकि मुझे तो मालूम पड़े मुझे लग रहा है मेरी आवाज शायद जा नहीं रही है तो मैंने एम बी ढूंढ लिया है एक चीज आप याद रख लें मेटा सेंटर का डिस्टेंस क्या होता है डिस्टेंस ऑफ मेटा सेंटर का फॉर्मूला ये होता है जो मैं बात कर रहा था कि पीछे मैंने फॉर्मूला नहीं लिखा था और यहां पर देखे मैंने वाई एम लिखा है मैंने वाई एम लिखा है मेटा सेंटर का डिस्टेंस के लिए द फॉर्मूला इज दैट डिस्टेंस ऑफ द मेटा सेंटर इज डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ बायसी प्लस एम बी ये एक फॉर्मूला है डिस्टेंस सी बी प्लस एम बी सी बी मुझे मालूम है डिस्टेंस सी बी बिल्कुल मुझे मालूम है मैंने अभी डिस्टेंस सी बी ढूंढा था ये रेफरेंस पॉइंट के ऊपर डिस्टेंस सी बी मेरा क्या था 0.53 मीटर एम बी मेरा क्या है 0.45 यहां से मैंने निकाला 0.4528 पॉइंट जब मैंने दोनों को ऐड किया तो मेरा आंसर क्या आया 0.98 अब मैं अपने आंसर को कंपेयर करूंगा क्या मेरा आंसर सेंटर ऑफ ग्रेविटी से ज्यादा है या कम है यानी यहां तक मेरा 0.53 था इस 0.53 के अंदर ये मजीद 0.45 ऐड हुआ यहां से लेकर यहां डिस्टेंस 0.45 ये जो डिस्टेंस है ये एम डिस्टेंस है ये ऐड हुआ टोटल मेरा कितना आया 0.98 क्या मेरा 0.98 वैल्यू सेंटर ऑफ ग्रेविटी से ज्यादा है कम है ज्यादा है सर ज़्यादा है। तो अगर ये ज्यादा होगा तो इसका क्या मतलब हुआ कि बॉडी स्टेबल है या अनस्टेबल है Stable. स्टेबल तो है सर। मैं मैं सिर्फ सिर्फ ये 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 लिख लिख इसको लाइन मेरी एज गामा एम सी यानी गामा मेटा सेंटर एज गामाटा सेंटर इज ग्रेटर नॉट गामा मेटा सेंटर एज वाई मेटा सेंटर इज ग्रेटर ऑफ ग्रेविटी 0.98 इज़ इज़ ग्रेटर देन 0.8 योर बोट स्टेबल फ्लोटिंग और सिंकिंग का तो ही नहीं है क्वेश्चन मेरा स्टेबिलिटी का है तो आप लिख दोगे माय बोट इज स्टेबल दैट इज ऑल अगला जो न्यूमेरिकल है वो इससे मिलता जुलता है वो आप लोग खुद करोगे अभी हम डिस्कस करते हैं अगर आपने वो कर लिया तो उसका मतलब है कि आपको स्टेबिलिटी का कॉन्सेप्ट आ गया है और कोई मसला नहीं है स्टेबिलिटी के अंदर सिर्फ ये कुछ स्टेप्स होते हैं डायग्राम आप सही बनाएं अब ये ये अगला क्वेश्चन है अ सॉलिड सिलेंडर इस क्वेश्चन में आपको मसला सिर्फ ये होगा कि यूनिट कन्वर्जन करने पड़ेंगे अ सॉलिड सिलेंडर इज थ्री फीट इन डायमीटर सिक्स फीट हाई एंड वे फिफ्टीन फिफ्टी पाउंड फोर्स

अभी तो आपके पास फिगर भी नहीं है क्योंकि फिगर आप आखिर में बनाओगे पहला स्टेप क्या है सर सेंटर ऑफ बायोनसी ढूंढने के लिए हम पहले वो कर करेंगे बायोनसी कौन करेंगे ढूंढने के लिए मुझे बायोनसी ढूंढनी है बायोनसी कैसे ढूंढूंगा मैं और इसके लिए स्पेसिफिक वेट हमें फाइंड कर लेंगे स्पेसिफिक वेट में स्पेसिफिक वो ग्रेविटी दिया है उसको क्वार्टर की स्पेस वो वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर लेंगे जो अच्छा 62.4 पाउंड फोर्स पर फिट क्यूब से मल्टीप्लाई कर लेंगे ये जो चीज है जो आपने कहा कि 0.90 मल्टीप्लाई बाय क्या नाम है इसका स्पेसिफिक वेट ये तो उसका स्पेसिफिक वेट कंपोनेंट है इसका वॉल्यूम कंपोनेंट क्या लेंगे वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर मल्टीप्लाई बाय हाइट तो मैं क्या लूंगा वॉल्यूम <coughs> क्या लूंगा पाई कितनी वैल्यू फुट कर लेंगे और ये जो थ्री दिया है इसकी जो डायमीटर है उसको फिर से डिवाइड कर लेंगे इसका स्क्वायर लेंगे सर अच्छा वो कर लिया और h क्या लेंगे h से मल्टी h से से मल्टीप्लाई कर लेंगे सर देखें ये आप गलती कर रहे हैं मैंने आपको पिछले सवाल में कहा था कि एक जो बॉडी है अगर उसकी टोटल हाइट दी गई होगी फ्लोटिंग का मतलब ये है कि कुछ हाइट उसकी नीचे होगी कुछ हाइट उसकी ऊपर होगी तो जो भी आपकी डिस्प्लेस हाइट है ना जो भी आपकी डिस्प्लेस्ड हाइट है वो सिक्स फुट नहीं होगी वो कोई वैल्यू सिक्स फुट से कम होगी चाहे वो फाइव फुट हो चाहे वो फोर फुट हो चाहे वो फाइव पॉइंट ढूंढनी होगी जो कि एक्चुअली डिस्प्लेस हो रही है वो हाइट तो पहले ढूंढो जो डिस्प्लेस हो रही है तो आपका पहला स्टेप तो सही था पहले स्टेप में आप क्या करेंगे आप बायोसी को हेल्प लेंगे बायोनसी की हेल्प क्या है पहले आप बायोनसी का वर्टिकल बैलेंस लगाएं अपवर्ड फोर्स माइनस डाउनवर्ड फोर्स इज इक्वल टू जीरो अपवर्ड फोर्स क्या है द फ्लूइड द व्हाट यू कॉल स्पेसिफिक वेट ऑफ द फ्लूइड मल्टीप्लाई बाय द डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम स्पेसिफिक वेट ऑफ द फ्लूइड के लिए आपको मालूम है ऑयल था ऑयल की स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.90 वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड के लिए वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर इज पाई डी स्क्वायर अपॉन फोर आप अच्छा 0.90 62.4 क्योंकि वाटर से मल्टीप्लाई करना है अब आपको मालूम है कि वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर पाई आप वैसे के वैसे रहोगे डी स्क्वायर आप कर लोगे डी स्क्वायर के लिए आप उसका थ्री फुट स्क्वायर डिवाइडेड बाय फोर एक स्टूडेंट इसको पाई आर स्क्वायर भी कर सकता था पाई आर स्क्वायर के लिए वो करता पाई मल्टीप्लाई बाय वन स्क्वायर तो फिर ये डिवाइड बाई फोर का कॉन्सेप्ट हट जाता तो मैंने पाई डी स्क्वायर 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 अपॉन अपॉन कर लिया पाई पाई डी यानी मैंने यहां पर टोटल हाइट को एक्स रखा है क्योंकि मुझे ये नहीं मालूम है कि कितनी मेरी हाइट डिस्प्लेस हो रही है या कितनी मेरी हाइट के ऊपर ये फ्लूड डिस्प्लेस हो रहा है ये जो सिक्स फुट है ये टोटल उसकी हाइट है जिसके अंदर कुछ फ्लोटिंग बॉडी अबव द फ्लूड होगी कुछ फ्लोटिंग बॉडी बिलो द फ्लूड होगी तो ये गलती नहीं कीजिएगा कि टोटल हाइट को आप ले लें क्योंकि अगर आपने टोटल हाइट को ले लिया इसका मतलब आप ये अज्यूम कर रहे हैं कि आपकी बॉडी टोटल बाहर है।, टोटल है टोटली सबमर्ज है क्योंकि आपने पूरे फ्लूड का डिस्प्लेस कर लिया टोटल हाइट आप जब ही लेंगे ना जब वो पूरी सबमर्ज होगी तो ये कॉन्सेप्ट अपना क्लियर कर लें कि आप टोटल हाइट ले नहीं सकते जो पहले के न्यूमेरिकल्स थे उसके अंदर एक आध सवाल इसलिए मैंने आपको यूं दिया था ताकि इस कॉन्सेप्ट के लिए आप आए तो ये गलती आपने देखी कि आपने गलती कहां पर की थी आपने टोटल हाइट ले ली क्लियर है फोर्टी yes. 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 तो फोर yes, आप, आप, आप टोटल हाइट नहीं लेंगे पहले आप वो हाइट ढूंढेंगे तो मैंने उस हाइट को सिक्स सॉरी एक्स एज्यूम किया इज इक्वल टू फिफ्टीन फिफ्टी मेरा वेट मुझे क्वेश्चन में गिवन था सही है। जब मुझे मेरी एक्स मिली तो मुझे मालूम है कि 3.90 फुट सबमर्ज सिलेंडर है यानी मेरे काम की हाइट सिर्फ 3.90 है मेरे काम की हाइट 3.90 है बाकी जो 2.1 है दैट इज अब दॉटर चले ये मुझे मिल गई मेरी काम की हाइट

ढूंढी yes, तो है आप पॉइंट से डिवाइड कर लेंगे, तो आप लेंगे यानी आपकी जो सेंटर ऑफ बायोसी है वो 1.95 मीटर है अच्छा सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैसे ढूंढेंगे Come on, ये तो मालूम होना चाहिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैसे ढूंढेंगे सर बाड़ी की जो टोटल है उसमें हो हो या ना बिल्कुल, बिल्कुल सेंटर ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होगी उसकी टोटल हाइट डिवाइड बाय 2 हो जाएगी टोटल हाइट कितनी है 6 है चाहे वो सबमर्ज हो चाहे वो सबमर्ज नहीं हो सेंटर ऑफ ग्रेविटी चेंज नहीं करेगी चाहे वो जितना पानी के बाहर हो जितना पानी के अंदर हो तो टोटल तो तो हाइट डिवाइडेड बाय टू तो आपको एक आंसर थ्री फुट मिल गया अब आप अपना कॉन्सेप्ट चेक करोगे आपने सही किया है या गलत आप बोल सकते हो मैंने सही किया है आपको कैसे मालूम मैंने सही किया है क्योंकि मेरा सेंटर ऑफ ग्रेविटी थ्री फुट आ रहा है और मेरा सेंटर ऑफ बायोन्सी वन पॉइंट नाइन फाइव फुट आ रहा है कॉन्सेप्ट क्या था कि फ्लोटिंग बॉडी के अंदर सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज ऑलवेज हायर देन सेंटर ऑफ बायोन्सी यस इट इज करेक्ट माय सेंटर ऑफ ग्रेविटी थ्री फुट इज ग्रेटर देन 1.95 फुट सो आई आई नो एम ऑन द करेक्ट पाथ तो मुझे मेरे दो चीजें मिल गई मुझे मेरी सेंटर ऑफ ग्रेविटी मिल गई और मुझे मेरी सेंटर ऑफ बायोन्सी मिल गई अब मैं क्या करूंगा अगला स्टेप एम बी फिक्ट फाइंड करना है

इसके अंदर मेरे काम की हाइट सिर्फ यह है 3.90 पॉइंट फुट बाकी हाइट को मैंने फिलहाल छोड़ दिया साइड बाय साइड मैंने ये भी लिख दिया कि मेरा सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहां पर आ रहा है और मेरी सेंटर ऑफ ग्रेविटी थ्री फुट है यानी मुझे मालूम है कि यहां से यहां तक मेरी थ्री फुट है थ्री फुट कहां से आया सिक्स डिवाइड बाई थ्री और मुझे मेरा सेंटर ऑफ बायोन्सी भी मिल गया सेंटर ऑफ बायोन्सी कैसे मिल गया सेंटर ऑफ बायोन्सी मुझे 3.90 का हाफ मिल गया मेटा सेंटर अच्छा ये पॉइंट आप अभी नहीं पुट कर सकते ये भी मैंने assume किया है कि मैंने आखिर में पुट किया है तो आप मेटा सेंटर अभी पुट नहीं कर सकते आप सिर्फ सेंटर ऑफ ग्रेविटी लोकेट कर सकते हो आप सेंटर ऑफ बायसी लोकेट कर सकते हो ये डायग्राम वैसे तो मुझे आखिर में बनाना चाहिए था मगर मैंने पहले बना दिया अब अगला स्टेप क्या है मैं एम बी ढूंढूंगा एम बी मेरा क्या होता है आई डिवाइडेड बाई वी डी आई ढूंढने के लिए आपको एक फॉर्मूला दिया जाएगा या तो आपको मालूम होना चाहिए चले मगर मैं आपको फिर भी बता दूंगा दो ही फॉर्मूले आई के या स्क्वायर के लिए क्यूब अपॉन और याक्यूलर या सिलेंडर सर्फेस के लिए पाई डी फोर अपॉन सिक्सटी फोर तो अब मैं क्या करूंगा मैं अपना इनर्शिया ढूंढूंगा मेरा इनर्शिया क्या है पाई डायमीटर मेरा थ्री था टू द पावर फोर मल्टीप्लाई बाय सिक्सटी फोर इससे मुझे मेरा एक वैल्यू मिल जाएगी जो कि मिल रही थी ये वैल्यू मिल रही थी मैंने डायरेक्टली इनको सॉल्व कर दिया था वॉल्यूम वॉल्यूम जो मेरी डिस्प्लेस्ड हो रही है वो क्या वॉल्यूम डिस्प्लेस हो रही है वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर डिस्प्लेस वुड बी पाई डी स्क्वायर अपॉन फोर मल्टीप्लाई बाय द हाइट जो बैन्सी की वजह से डिस्प्लेस हो रही है और हाइट टोटल हाइट नहीं हो रही थी ये थ्री ढूंढने का मकसद ही ये था तो मेरी डिस्प्लेस वॉल्यूम क्या होगी पाई डी स्क्वायर अपॉन फोर मल्टीप्लाई बाई थ्री पॉइंट नाइन जीरो जब ये मैं दोनों और मैंने पाई को जानकर मल्टीप्लाई नहीं किया मैंने पाई को इसलिए मल्टीप्लाई नहीं किया क्योंकि मैंने सोचा कि मैं इनर्शिया के अंदर डायरेक्ट इसको कट कर लूंगा अपना सिंप्लीफिकेशन आसान कर लूंगा तो जब मैंने इसको सॉल्व किया तो मेरी एक वैल्यू आ रही थी ऊपर वाली इनर्शिया की वैल्यू पाई डी स्क्वायर अपॉन फोर वो ये आ रही थी और नीचे वाली वैल्यू पाई ये आ रही थी मैंने दोनों पाए को कैंसिल कर दिया मुझे एक वैल्यू मिल रही है कितनी आ रही है जीरो पॉइंट वन फोर फोर जो जीरो पॉइंट वन फोर फोर है ये मेरी क्या है ये मेरी एम बी वैल्यू है अब मैं क्या करूंगा जब मुझे एम बी मिल गई तो मैं क्या ढूंढूंगा जी अब मेटा सेंटर सर डिस्टेंस ऑफ द मेटा सेंटर ढूंढूंगा डिस्टेंस ऑफ यानी यानी मेटा सेंटर का लोकेशन ढूंढूंगा मेटा सेंटर के लोकेशन का फॉर्मूला क्या होता है सर जी? सर जी मतलब सेंटर ऑफ ग्रेविटी प्लस सेंटर ऑफ की जो नहीं 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 तो नहीं, नहीं। मेटा सेंटर का जो डिस्टेंस होता है ना मेटा सेंटर का जो डिस्टेंस होता है वो वाई सी बी होता है सेंटर ऑफ बायोन्सी प्लस एमबी सेंटर ऑफ ग्रेविटी का ताल्लुक नहीं है इससे यस 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 सर एमबी एमबी आधा सही बोला सेंटर ऑफ बायोन्सी प्लस एमबी एमबी की वैल्यू मुझे अभी यहां से मिल गई 0.144 अभी-अभी मैंने कैलकुलेट की है सेंटर ऑफ बायोन्सी मैंने अपनी हाइट से ढूंढ ली थी कि मेरी टोटल हाइट 3.90 थी उसको मैंने आधे में डिवाइड कर लिया था यानी मेरी सेंटर ऑफ बायोन्सी थी 1.95 यानी मैं 0.44 और 1.95 को ऐड कर लूंगा जब मैंने दोनों को ऐड किया तो मेरा आंसर क्या आ रहा है मेरा आंसर आ रहा है 2.094 ये 2.094 मैं अपने डायग्राम पे लोकेट कर लूंगा ये 2.094 मैंने सेंटर ऑफ ग्रेविटी के नीचे डाला है मैंने नीचे क्यों डाला है क्योंकि ऑलरेडी मुझे मालूम है मेरी सेंटर ऑफ ग्रेविटी 3 फुट है टोटल हाइट डिवाइड बाय 2 तो जाहिर सी बात है टू पॉइंट जीरो नाइन फोर उस हाइट के नीचे आएगा कहीं पर उसी लाइन में टू पॉइंट जीरो नाइन फोर क्या ये बॉडी स्टेबल है या अनस्टेबल है no, अनस्टेबल मैं बोलूंगा. क्यों जब मैंने पूरा डायग्राम बना दिया तो मैं बोलूंगा दिस बॉडी इज अनस्टेबल बिकॉज टू पॉइंट जीरो नाइन फोर इज लेस देन थ्री इज लेस देन थ्री क्योंकि मेरी ओरिजिनल जो बॉडी थी वो कितनी थी वो थ्री मीटर थी बात समझ आई यस yes, तो मैं सिर्फ लिख दूंगा इट इज अनस्टेबल दैट इज ऑल यू हैव टू डू और ये उसका फाइनल डायग्राम उन्होंने बनाया था ये वही डायग्राम है जो मैंने बनाया है आधी मैंने नीचे बनाई है 3.90 के ऊपर और आधा मैंने ऊपर बनाया है कोई क्वेश्चन